नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा अंचल में। दोस्तों अभी खटखट टोल पर मौजूद है और जो ये छप्पड़ा किसानों का ये आंधी तूफान के कारण 3-4 बार पहले गिर चुका था, लेकिन अब की बार किसानों ने पूरी मजबूती के साथ है नीचे बजरी भर के मजबूती से इसको खड़ा करने का काम किया है। और जो स्टेज थी पहले तकत थी, वो तकत भी स्टेज आंधी के कारण हवा के कारण टूट गए थे, लेकिन अब के स्टेज जो तैयार कर दिया ये पक्की स्टेज है और ये गाने बजाने के वाली पार्टी और जो स्टेज है पूरी पक्की कर दिया। और जो ये छप्पड़ है ये भी पहले से बड़ा है, उससे पहले से ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में एरिया में किया गया, क्योंकि महिलाओं का एक तरफ है और पुरुषों का एक तरफ है। और जितनी भी किसानों के सामने अड़चने आती है आंदोलन उतना ही मजबूत होता जा रहा है। जिस पहले आंधी कण गिरा तो और मजबूत के साथ खड़ा गिरा, लेकिन दोबारा गिरा फिर और, लेकिन अब की बार और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उसी प्रकार रोकने की कोशिश करी जा रहा है। कहीं भी कोई राजनीतिक नेता हुआ है लेकिन उसका विरोध के लिए जब किसान पहुँचे हैं तो और भी ज़्यादा किसानों में मजबूती मिला है। लगातार किसान आंदोलन को मजबूती मिलती आ रही है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। जो खटखट टोल का धरना है वो सुचारू रूप से चल पड़ा है, क्योंकि जो छप्पड़ था यहाँ का जो वो पूरा पूर्ण रूप से तैयार कर दिया और भी मजबूती के साथ तैयार कर दिया। लेकिन अब की बार भाई गाड़ियाँ अंडी ऊपर टांग गया वो देख लियो, क्योंकि भाई किसी की नज़र नहीं लगा, क्योंकि अगर मकान बनावा तो उस पर भी रखी जा हुआ है कि नज़र ना लगा किसी की। तो भाई पहले उसका कि ये भूल हो कि गाड़ी अंडी ना रखी हो, लेकिन अब की बार ये रख दिया है उसका। अब जो ये सेफ है किसानों का जो मकान है जो घर है ये अब सेफ हुआ है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।